वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेंस अमेरिकन बास्केटबॉल लीग का जो मैच खेला जाने वाला है वाशिंगटन वुमेंस वर्सेस फोनिक्स वुमेंस के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइनअप में कोई अगर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम आपको वही मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर लेना। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। आज के मैचेस के बारे में, जो कि ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छा मैच आपके लिए रहेगा, कौन से प्लेयर रहेंगे जिन्हें आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले रिसेंटली मैचेस का एनालिसिस। वाशिंगटन अपने पिछले चार में से एक ही मैच विन के साथ आ रही है। सेकंड साइड के लिए फोनिक जो तो आपने रिसेंटली कुछ मैचेस अच्छे खेले, रिसेंटली चार में से ये टीम तीन मैच विन के साथ आ रही। इस सीजन में दोनों टीम के बीच में एक हेड टू हेड मैच हुआ, वो वाशिंगटन ने विन किया, लेकिन यहाँ पर वाशिंगटन आज के मैचेस के लिए विन करने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि टीम की मेन प्लेयर डिलो डाउन खेल नहीं रहे, एरियल एटकिंग खेल नहीं रहे और उसी के साथ साथ ऑस्टिन क्रिस्टी टोलियर जैसे बड़े प्लेयर यहाँ पर वाशिंगटन के साथ खेल नहीं रहे। और फोनिक्स की तरफ से भी इनकी जो मेन प्लेयर है तरुसाई, जो कि शूटिंग गार्ड की प्लेयर है, वो फिलहाल खेल नहीं रहे, लेकिन फोनिक्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा नहीं, क्योंकि फोनिक्स की तरफ से कुछ ऐसे प्लेयर जो कंटिन्यूसली अपने टीम के लिए परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं उनके बारे में हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या कुछ रहेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टिंग लाइनअप। सबसे पहले वाशिंगटन की तरफ से एरियल एटकिंग खेल नहीं रहे, तो उनकी जगह पर किम्बा वॉकर फिर से आपको स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे शूटिंग गार्ड पोजीशन से। पॉइंट गार्ड पोजीशन से नताशा क्लाउड, जो कि बॉल हैंडलिंग का काम संभालेंगी। उसके बाद ब्रिटनी स्काइस टीम की मेन प्लेयर है, जो कि फ्रंट कोर्ट से खेलेंगी। टीना हॉकिंस और सेंटर पोजीशन से खेलती हुई देखने को मिलेंगी आपको यम हाइन अलिन। ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप रहेंगी। टीम की मेन जो प्लेयर रहेंगी वो तो सबसे पहले ब्रिटनी स्काइस, SPPP चॉइस, पॉइंट, रिबाउंड, असिस्ट तीनों सेक्शन से परफॉर्मेंस। नताशा क्लाउड ग्रैंड लीग के लिए रिस्की SPPP चॉइस रहेंगे। उसके बाद किम्बो वॉकर, लास्ट मैच में ही बताया था कि ये प्लेयर ने लास्ट मैच में शॉट्स मिस किए, लेकिन टीम की मेन प्लेयर है और लास्ट मैच में आप इनका परफॉर्मेंस देख सकते हो। यह महीना लिन स्टार्ट करती है, लेकिन यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम इनको मिलता है, टाइम लिमिटेशन के साथ खेल रही, तो यहाँ पर ज़्यादा रिकमेंडेड इनको करूँगा नहीं। हाँ, आप यहाँ पर इनको ग्रैंड लीग में ट्राई जरूर कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए रिस्की पिक रहेंगी। टीना हॉकिंस मस्ट आउट पिक रहेंगे, स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि पॉइंट और रिबाउंड दोनों सेक्शन से ये भी प्लेयर परफॉर्मेंस देकर आई है। लास्ट मैचेस का प्लेयर परफॉर्मेंस नताशा क्लाउड के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, और स्पेशली यहाँ पर नताशा क्लाउड जो है तो फील्ड गोल से काफ़ी ज़्यादा शॉट्स ले रहे हैं। वॉकर का भी परफॉर्मेंस देख लेना, लास्ट मैच में ज़्यादा फील्ड गोल से शॉट्स लिए नहीं, लेकिन थ्री पॉइंटर शूटर है और लास्ट मैच में इनकी तरफ से स्टील ब्लॉक के चलते भी परफॉर्मेंस आए हैं। ब्रिटनी स्काइस कंटिन्यूसली अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देकर आई है, और सबसे मेन जो बात है वो फील्ड गोल से आप इनके शॉट्स देख लेना। रिस्क लेना पसंद करते हो तो इनको यहाँ पर आप SPP ट्राई कर सकते हो। टीना हॉकिंस लास्ट मैच में इनकी तरफ से थोड़े से रिबाउंड कमाए, लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पर ये प्लेयर हर एक मैचेस में फंटासी पॉइंट देकर चली जा रही है। यम हाइन अलिन जो कि यहाँ पर टाइम लिमिटेशन के साथ खेल रहे, सभी प्लेयर काफ़ी अच्छा टाइम खेल रहे और यम हाइन अलिन सबसे कम टाइम खेल रहे, तो यम हाइन अलिन को थोड़ा सा लेना रिस्की रहेगा, क्योंकि इतने क्रेडिट में आपको और भी अच्छे प्लेयर मिल जा रहे हैं जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग लाइनअप में एज ए यहाँ पर स्टार्ट करे। टीम की तरफ से बेंच स्ट्रेंथ के बारे में अगर यहाँ से बात करें, तो टीम की तरफ से कुछ मेन इंपॉर्टेंट बेंच प्लेयर है जैसे कि लीमे और उसी के साथ साथ इगाम्बो की तरफ से लास्ट मैच में परफॉर्मेंस आया नहीं, स्टिल में इस प्लेयर को रिकमेंडेड करूंगा ग्रैंड लीग के लिए जरूर ट्राई कर लेना। यह महीना ली जगह पर यहाँ पर खेलने के लिए आती है बेंच से, और कंटिन्यूसली अपने टीम के लिए रेगुलरली परफॉर्मेंस प्लेयर की तरफ से आए, इवन लास्ट मैच में फ्लॉप परफॉर्मेंस आया तो ज़्यादा कोई ध्यान देंगे नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर लेना, क्योंकि फील्ड गोल से यहाँ पर इस प्लेयर ने शॉट्स मिस किए थे। उसके बाद लीमे क्रेडिट्स और ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिकमेंडेड आज के मैच इसके लिए करूंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट इशू आपके लिए रहेगा नहीं, क्योंकि दोनों टीम की तरफ से कुछ बड़े क्रेडिट के प्लेयर खेल नहीं रहे। फोनिक्स की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में बात करें, तो तोरुसाई टीम की मेन प्लेयर है जो कि यहाँ पर फिलहाल खेल नहीं रहे, तो उनकी जगह पर ओनिवर स्टार्ट करिए, और उसी के साथ साथ बैन से पेड़ी पर ध्यान रखना। ये प्लेयर जो रहेंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिनट बैन से आपको फिर से आज के मैचेस में खेलते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि तोरुसाई खेल नहीं रहे। कुनिंगम जो स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड पोजीशन से, जेफरसन स्टार्ट करती है शूटिंग गार्ड पोजीशन से, ओनिवर स्मॉल फॉरवर्ड पावर फॉरवर्ड सेक्शन से, टर्नर और सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करेंगे ब्रिटनी गरिनरी। ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप है। टीम की मेन प्लेयर है ब्रिटनी गरिनरी, उसी के साथ साथ कुनिंगम, जेफरसन की तरफ से लास्ट मैच में परफॉर्मेंस आया नहीं, लेकिन टीम की मेन प्लेयर है, ये भी आपको आज के मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस देकर दे देंगी। टर्नर सबके पास रहेंगे, क्योंकि पॉइंट और रिबाउंड और स्पेशली यहाँ पर ये प्लेयर जो होते हैं यहाँ पर डिफेंस अच्छा करती है, तो इसके चलते टर्नर को टाइम काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ओनी और जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम, लास्ट मैच काफ़ी कम टाइम खेले थे,
राउंड यहाँ पर से एडिमेट, लेकिन ऐसे प्लेयर जिस दिन यहाँ पर इसकी तरफ से शूटिंग से परफॉर्मेंस आएगा उस दिन यहाँ पर इनको अच्छा टाइम भी मिलेगा। इवन यहाँ पर रिसेंटली कुछ मैचेस आपने बैन से खेले, इससे पहले कुछ मैचेस में यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट भी किया था ओनिवर की तरफ से। लास्ट मैचेस में इवन यहाँ पर इनके फील्ड गोल सिलेक्शन परसेंटेज देखिए, 4 ही शॉट्स लिए थे जिसमें से इनके 3 कनेक्ट हुए थे। मेन प्लेयर है, जरूर ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग के लिए तो रिस्की भी करेंगे। टर्नर हमेशा से अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देकर आ रहे। ब्रिटनी गरीनरी की तरफ से परफॉर्मेंस देख सकते हो, पॉइंट और रिबाउंड दोनों सेक्शन से परफॉर्मेंस आएगा और ब्लॉक से भी ये प्लेयर परफॉर्मेंस देती है। जेफरसन की तरफ से इतना बेस्ट लास्ट मैच में आया नहीं, लेकिन फील्ड गोल से शॉट से यहाँ पर ये प्लेयर काफ़ी लेती है। कुनिंगम की तरफ से डिसेंट सा परफॉर्मेंस और स्पेशली यहाँ पर बॉल हैंडलिंग का काम संभाल रहे, तो यहाँ पर ये प्लेयर आपको असिस्ट से भी परफॉर्मेंस देती है देखेंगे तो। इंपॉर्टेंट और मेन प्लेयर रहेंगी टीम की तरफ से बैंच स्ट्रेंथ, सेफ एडी को ट्राई कर लेना क्योंकि सेफ एडी इस टीम की तरफ से सबसे बेस्ट बैंच प्लेयर है। उसके बाद अगर किसी को ट्राई करना है तो वो आपके लिए रहेंगे सुटन, यही दोनों प्लेयर रहेंगे जिन्हें यहाँ पर मैं रिकमेंडेड करूँगा। सुटन को इसलिए ट्राई कर लेना क्योंकि तरुसाई भी खेल नहीं रही है, तो उसके चलते बैकअप गार्ड इनका थोड़ा सा यहाँ पर वीक रहेंगे। इतने ज़्यादा बैकअप गार्ड पोजिशन वाले इनके पास प्लेयर अवेलेबल नहीं है क्योंकि यही दोनों प्लेयर है आपको जो गार्ड पोजिशन से बैंच से खेलते देखने को मिलेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, दोनों पिक रहेंगे। सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम मैं आपको बना कर देता हूँ, उसके बाद कुछ ग्रैंड लीग प्लेयर रहेंगे जिनको किसे आपको ट्राई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्मॉल लीग के लिए सबसे जो सेफ चॉइस है नताशा क्लाउड और एसपी और पीपी आपके जो रहने वाली गरीनारी, और उसी के साथ साथ आपकी जो पीपी रहने वाली वो रहने वाली ब्रिटनी स्काइस। उसी के साथ साथ पावर फॉरवर्ड सेक्शन से आपको टर्नर और हॉकिंस दोनों ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो कि शूटिंग से तो पॉइंट देंगे और उसी के साथ साथ डिफेंस में आपको रिबाउंड से भी पॉइंट देंगे, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। जेफरसन टीम की मेन प्लेयर है, लास्ट मैच में शूटिंग इतनी अच्छी आई नहीं, लेकिन स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम की तरफ से। किम्बो वॉकर का लास्ट मैच परफॉर्मेंस देख ही चुके, उसके बाद कुनिंगम जो कि असिस्ट से हर एक मैच में परफॉर्म दे रही है। ये डेमोनबल टीम इस टीम के साथ जो आपकी एसपी पीपी रहेंगी, एक तो गरीनारी सेफ रहेंगी और आपके लिए पीपी चॉइस रहेंगी ब्रिटनी स्काइस, लेकिन आज के मैचेस में आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि ब्रिटनी स्काइस की तरफ से कंटिन्यूसली शूटिंग से काफ़ी ज़्यादा शॉट्स आ रहे। लास्ट मैच में भी 22 शॉट्स उन्होंने लिए थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गरीनारी ने थोड़े से कम यहाँ पर शूटिंग से शॉट्स लिए थे, तो आप रिस्क ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैंने सेफ चॉइस बता दी, लेकिन आज के मैचेस के लिए आप रिस्क ले सकते हो और इवन आज के मैचेस में रिस्क लेना ही मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि गरीनारी का रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, तो एसपीपीपी आप रोटेट कर लेना। ये स्मॉल लीग के लिए सेफ टीम रहेंगी, एसपीपीपी रोटेट कर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। इस टीम में आपके लिए ग्रैंड पिक कौन से रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टर्नर की जगह पर आप अपने टीम में ओनिवर को ट्राई कर लेना या फिर आप ट्राई कर लेना इकॉम्बो को। ये एक चेंजेस के साथ एसपीपी रोट कर आप ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ साथ सुटन अच्छी चॉइस है, लेकिन सुटन ग्रैंड लीग के लिए मुझे इतनी बेटर लग नहीं रही क्योंकि बाकी के प्लेयर परफॉर्मेंस देख कर देंगे, या फिर आपसे ये पीडी को भी ट्राई कर सकते हो। क्रेडिट अवेलेबल रहेंगे, लेकिन नो डाउट अगर से पीडी का ओनर और उसी के साथ साथ टर्नर इन दोनों से ज़्यादा ड्रीम इलेवन पॉइंट रहे तो आपको फिर ग्रैंड लीग में रैंक अच्छा लाने से कोई रोक नहीं सकता, ये रिस्क आप ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पर यही दोनों तीनों प्लेयर है जिन पर आप ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो, बाकी कुछ ऐसे प्लेयर है जिन पर आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो जैसे कि यहाँ पर यमहिन अलीन, लेकिन इनको ज़्यादा रिकमेंडेड करूँगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूसली इस प्लेयर को टाइम लिमिटेशन के साथ खेला जा रहा है। एक दो चेंजेस कर सेम टीम के साथ ग्रैंड लीग ट्राई कर लेना। हो गाइस यू हैव टू लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव डन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।